कोलंबिया में एक रंग बिरंगा दरिया वाकया है जो कि सयाहों के लिए कशिश का बायस है। इस दरिया का नाम वैसे तो कानो क्रिस्टल्स है, लेकिन इसे इसके मुख्तलिफ रंगों की वजह से पांच रंगों का दरिया या आबी कौसे कजाह वाला दरिया भी कहा जाता है। इस दरिया को दुनिया का खूबसूरत तरीन दरिया भी समझा जाता है। हर साल जुलाई से नवम्बर के दौरान इस दरिया को चमकीले और हसीन रंगों में देखा जा सकता है। इस दरिया के ये रंग एक माकरीनिया क्लेविगेरा नामी पौधे की वजह से है। ये पौधा मुख्तलिफ रंगों जैसे कि सब्ज, नारंगी, लाल, जर्द और नीले रंग में पाया जाता है। इसी वजह से इस दरिया का पानी भी इन्हीं रंगों में नजर आता है। पीपल्स पार्टी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कौमी असेंबली में तहरीक इल्तवा जमा करवा दी। जमा करवाई गई तहरीक इल्तवा में कहा गया कि सदर ट्रंप का पाकिस्तान के मुतालिक हालिया बयान इंतहाई तोहीन आमेज और बेबुनियाद है। ये बयान जानबूझकर पाकिस्तान की किरदार कुशी और इसको दहशत गर्दी का हामी जाहिर करने के लिए दिया गया। तहरीक इल्तवा में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की भरपूर अल्फाज में मुजम्मत करते हुए कहा गया कि ट्रंप को ऐसे बयान देने की बजाय हमारी दहशतगर्दी से निमटने के लिए लाजवाल कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। ट्रंप अफगानिस्तान और मशरक के वस्ता में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसे मनगढ़ंत और बेबुनियाद बयान दे रहा है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पीपल्स पार्टी की जानिब से जमा करवाई गई तहरीक इल्तवा में कहा गया कि पाकिस्तान एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है जो अपने मफादात का तहफ्फुज बेहतर तरीके से करना जानता है। अमरीकी सदर को ऐसे बयान देने की बजाय मुश्तरका लाहे अमल से दहशतगर्दी की जंग में अपना किरदार अदा करना चाहिए। तहरीक इल्तवा में इस मामले को ईवान में जेर बहस लाने का मुतालबा किया गया। बरतानिया की काउंटी कैंप में मुनफरिद प्रॉम रेस का इनेकाद किया गया जिसमें कई मंचलों ने शिरकत की। प्रॉम रेस में हिस्सा लेने वाले अफराद नित नए डिजाइन और साइज की हामिल प्रॉम्स को दौड़ाते नजर आए। प्रॉम में बैठे मंचलों ने भी नन्हे बच्चों की तरह मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम्स पहनकर इस रेस का लुत्फ उठाया। इस मुनफरिद परेड को देखने के लिए बड़ी तादाद में अफराद भी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने इस इवेंट को खूब इंजॉय किया। जज्बाती फैसले करने वाले ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ साथ फलस्तीन की भी इमदाद रोकने की धमकी दे दी। अमरीकी सदर ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि अमरीका पाकिस्तान और दीगर ममालिक को अरबों डॉलर्स देता है मगर ये कुछ नहीं करते। उन्होंने फलस्तीन की मिसाल देते हुए कहा कि फलस्तीन हर साल हमसे अरबों डॉलर्स लेता है मगर ये हमारा एहतराम नहीं करता, जबकि फलस्तीन इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर बातचीत के लिए भी तैयार नहीं। ट्रंप ने कहा कि ऐसे तमाम ममालिक को अब सबक सिखाना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में पैगाम लिखा कि हमने नए अमन मुज़ाकरात के तहत बैतुल मक़दस जैसे मुतनाज़ा शहर का मसला उठाया जिस पर बहस करना एक बहुत मुश्किल अमल था। अगर फलस्तीन अमन के लिए तैयार नहीं तो हम मुस्तकबिल में उसकी इमदाद क्यों जारी रखें। स्पेन की मरकजी हुकूमत का कहना है कि नीम खुद मुख्तार इलाके कतालोनिया में आजादी के मुतनाज़े रेफरेंडम की वजह से पैदा होने वाला तनाजा मुल्क के लिए 1 अरब यूरो नुकसान का बायस बना। उन्होंने बताया कि इस तनाजे की वजह से इक्तसादी नमो की रफ्तार अब तक सुस्त है। तनाजे से स्पेन की मईशत को बड़ा धचका लगा। तुर्की ने ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों पर तशवीश का इजहार कर दिया। तुर्क वजारत खारजा की जानिब से बयान में कहा गया कि अंकारा हुकूमत को ईरान ने मुजाहिरों में मुसलसल फैलाओ और मुजाहिरीन की हलाकतों पर सख्त तशवीश है। हुकूमत समझदारी से काम लेते हुए इन मुजाहिरों के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम करे। इसराइली पार्लियामान ने एक नए मुतनाज़े कानून की मंजूरी दे दी है जिसकी रूस से मुस्तकबिल में बैतुल मक़दस शहर की किसी भी तरह की तकसीम को मजीद मुश्किल बना दिया गया है। यह कानून अमरीका के फैसले के बाद किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदारत के पहले रोज से ही अपनी मुतनाज़ा पॉलिसियों और बयानात के बायस शह सुर्खियों में रहे।
और अब नए साल का आगाज इस मुतनाज़ा शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से हुआ। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर शुमाली कोरिया पर बरस पड़े। शुमाली कोरिया की तरफ से अमेरिका को निशाना बनाने की हालिया धमकी पर अमेरिकी सदर का कहना था कि शुमाली कोरिया के अकल से फारिग सरबराह को बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के पास भी एटम बम है जो न सिर्फ ज्यादा बड़ा और ताकतवर है बल्कि चलता भी है। शुमाली कोरिया की तरफ से हालिया मिसाइल तजुर्बात के बाद अमेरिका ने उस पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं और अब भी दोनों ममालिक के दरमियान धमकियों के तबादले जारी हैं।